जैसे होता क्या है कि हम कोई चीजें खरीद रहे हैं बोरे में, जैसे चावल हो गया खरीदे एक बोरा और उसको बेच रहे हैं केजी में, तो हमारा मेन यूनिट है क्या केजी, क्योंकि केजी में हम उसको सेल करने वाले हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट यूनिट क्या है, बोरा यानी बैग। अब देखिए इसका इस्तेमाल और भी देखते होंगे कि एक बॉक्स में मान के चलते हैं 10 पेन है, तो हम खरीदे पेन को बॉक्स में लेकिन एक-एक पीस में उसको बेच रहे हैं, तो बड़े यूनिट में खरीद किया और उसको छोटे यूनिट में सेल करने के लिए हम लोग अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट आते हैं, देखे होंगे एक कार्टन में कितने सारे पीस आते हैं, जैसे एक कार्टन में मान के चलते हैं 10 टी-शर्ट है, तो 10 टी-शर्ट में से हमने कार्टन में खरीदा और उसको बेच रहे हैं 30 में, तो उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेट यूनिट। अब इसको अल्टरनेट यूनिट को इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बिजी को ओपन कर लीजिए, देखिए बिजी ओपन करने के बाद आप यहां से कंपनी ओपन कर लीजिए। चलिए मैं इसी कंपनी में बता दे रहा हूं, श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल में। सबसे पहले आप जाएंगे आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन, और यहीं पे आपको मिल जाएगा इन्वेंटरी। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें देगा, पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम और अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम। अल्टरनेट यूनिट देखिए पीसीएस, केजीएस और पीसीएस लीटर्स ये दिया। चलिए हमने अल्टरनेट यूनिट को इनेबल कर दिया। अब कह रहा है कि हाइड अल्टरनेट यूनिट डिटेलिंग वाउचर, कि क्या वाउचर के दौरान अल्टरनेट यूनिट हाइड हो जाए, तो अगर हाइड करना है तो यस। इनपुट कन्वर्जन फैक्टर, तो कन्वर्जन फैक्टर आइटम बनाते वक्त ही हम लोग भर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ हमने 3 बार दिया, क्यों, जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमने क्या किया, 10 किलो 500 ग्राम खरीदा या 10 किलो 200 ग्राम खरीदा चावल, उसके लिए तो दशमलव के बाद कितना अमाउंट तक टाइप हो या कितना क्वांटिटी, 3। आप यहाँ इसको सेव कर, सेव करने के बाद आप जाएंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से पहले चलिए मैं आइटम बना दे रहा हूं। चलिए सिंपल मैंने यहाँ पे कर दिया यूनिट, प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा बास्केट, ये हमारा क्या है चावल है। F3 करके अंडर ग्रुप मैंने बना दिया राइस, और प्राइमरी को यस कर दिया यूनिट। तो इसको हम बेचने वाले किस में है, केजी में। अब देखिए यहीं पे आपको देगा अल्टरनेट यूनिट, अल्टरनेट यूनिट में क्या केजी रहेगा, तो मैंने यहाँ पे चलिए कर दिया F3 और एक बना दिया किसका बैग का, और बैग वाला यूनिट। अब देखिए कन्वर्जन फैक्टर पूछने लगेगा कि देखिए एक बैग में यानी एक बोरे में कितना चावल आ रहा, हमने कह दिया 50 किलो, आपकी मर्जी। और यहाँ कन्वर्जन फैक्टर बैग, और यहाँ पे टैक्स कैटेगरी आप डिफाइन कर लीजिए, HSN कोड भर लीजिए, और मेन यूनिट रहने दीजिए, और परचेस सेल करेंगे किस में, मेन यूनिट। अगर परचेस किस में करेंगे, अगर चाहें तो आप अल्टरनेट यूनिट कर सकते हैं, अगर बोथ कर देंगे तो बोथ कर लीजिए। चलिए हम इसमें भी बोथ कर दिए कि दोनों यूनिट का इस्तेमाल परचेस और सेलिंग के दौरान किया जा सके, और इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे परचेस की या सेल की एंट्री पास करेंगे एड। अब देखिए किस डेट को आप खरीद रहे हैं, वाउचर की नंबरिंग क्या है आप ये भरिए, टैक्स कितना अप्लाई हो रहा है, किस पार्टी से खरीद रहे हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक पार्टी का लेजर बना दिया, अब जिससे खरीदते हैं अंडर ग्रुप, सन्ड्री, क्रेडिटर, इंटर करते हुए इसका आप पूरा डिटेल कर लेंगे। और यहाँ सारा इंफॉर्मेशन भरने के बाद
जीएसटी आईएन नंबर वगैरह आप भर लीजिए। और F2 से मैंने सेव कर लिया। अब देखिए आइटम खरीद किसको रहे हैं, बासमती को अंडर ग्रुप चावल। अब देखिए यहाँ पे मैंने भर दिया मान के चलिए 10। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे अब पूछेगा आपसे बैग में खरीदना है कि केजी में। तो हमने दोनों यूनिट लिया था कि परचेस और सेल के दौरान हम या तो बैग का इस्तेमाल कर ले या केजी का। तो चलिए हमने बैग का इस्तेमाल किया। अब देखिए एक बैग का प्राइस कितना है, देखिए प्राइस पर बैग यानी 50 किलो के बोरे का रेट कितना है? हमने मान के चलिए कह दिया 1500 कि एक बोरे का रेट 1500 रुपए। ठीक, इंटर कीजिए। ऐसे अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है उसको भी आप बना सकते हैं। चलिए मैंने एक पेन का ग्रुप बना लिया, हमने बना लिया पेन टॉनिक और ये है क्या पेन। तो अंडर ग्रुप पेन प्राइमरी को मैंने यस कर दिया और इसे सेव। यूनिट अब जैसे बेचने वाले किस में है तो बताया ना कि खरीदेंगे किस में, बड़े यूनिट में और बेचेंगे छोटे। अल्टरनेट यूनिट किस में खरीदने वाले हम लोग, बॉक्स में। तो यहाँ पे बॉक्स का तो बना नहीं है F3 और क्या कर देंगे बॉक्स का यूनिट बनाते हुए मैं इसे सेव कर लूंगा। और मेन यूनिट ये डिटेल भरने के बाद मेन यूनिट की जगह वॉच यूनिट कर लीजिए और ये F2 से सेव कर लीजिए। इसको भी आप बॉक्स में खरीदेंगे कि पीस में, तो चलिए हमने कर दिया मान लीजिए बॉक्स में। बी बटन दबाया और यहाँ पे आ गया बॉक्स। एक बॉक्स का रेट मैंने कर दिया 50 रुपए और F2 और F4 और इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जाइए डिस्प्ले स्टॉक का स्टेटस चेक कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है सबका देखना है कि एक आइटम का देखना है। तो चलिए पूछेगा मेन यूनिट केवल देखना है कि अल्टरनेट की, दोनों हमने कर दिया दोनों। फोर्थ यूनिट और यहाँ इंटर करते हुए सेव। तो देखिए आपने क्या किया बासमती, तो देखिए बता रहा है बासमती। अगर यहाँ पे कितना बता रहा है 0.2 kgs। इंटर करेंगे तो देखिए परचेस किए थे गणेश ट्रेडर से और आप बैग में किए थे ना, तो देखो बैग में किए थे तो कन्वर्जन फैक्टर उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया है तो देखो थोड़ा सा मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगा। ये आप जाएंगे लिस्ट स्क्रीन ऑल मेन यूनिट ही अभी रखिए या बॉस कर लीजिए आपकी मर्जी। तो देखिए अभी ये जो एंट्री है गणेश ट्रेडर वाला मैं एंटर किया और ये जो आइटम पे आप आएंगे इसको मैं यहीं अल्ट यम मॉडिफाई। ग्रुप प्राइस है केजीएस है ठीक है। देखिए कन्वर्जन फैक्टर हमने नहीं भरा, बैग तो लिया है और देखिए यहाँ पे हमने बताया है बैग में मान लीजिए हमने कर दिया 50 लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर आप छोड़ दिए। चलिए यूनिट तो हम केजी में ही बेचने वाले हैं, यहाँ पे हम कर दिए बैग और बता दिए एक बैग में 10 kg। तो बैग केजीएस रहेगा कि केजीएस, मेन यूनिट आप जो रखना चाहते हैं। जैसे देखिए मेन यूनिट को मैं बदल रहा हूं अल्टर करके, देखिए डायरेक्ट यहां से कह रहा है कि द मास्टर हैज बीन यूज्ड हो चुका है परचेस में, इसलिए डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं होगा। इस एंट्री को मैं क्या कर दिया F8 से डिलीट कर दिया। एक और एंट्री थी उसी में था ठीक, तो मैं थोड़ा सा आइटम में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, मास्टर आइटम और मॉडिफाई। पहले मैंने कर दिया इसमें
राइस केजी। चलो मैंने यहाँ कर दिया बैग। अब यहाँ अल्टरनेट यूनिट, अल्टरनेट यूनिट में देखिए मैंने यहाँ कर दिया क्या केजी। अब देखिए कन्वर्जन फैक्टर हमने कर दिया एक में 10 केजी और इंटर करते हुए इसको सेव कर और इसको अब परचेस कीजिए। ऐड बाउचर की नंबरिंग दे दीजिए, लोकल जीएसटी, पार्टी का नाम आप चूज कर लीजिए और यहाँ हमने लिया बासमती जहां पे मैंने किया 20 बैग। और देखिए जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ऊपर देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, क्वांटिटी इन केजी, 20 बैग में कितना किलो होगा 200 केजी। और बता रहा है ना कि क्वांटिटी इन बैग, कि देखिए आपने बताया था कि 20 क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं और एक बैग में कितना था 10 केजी, तो 20 बैग का कितना हो जाएगा 200। अब बताइए प्राइस केजी, आप यहाँ पे प्राइस को किस में बताएंगे केजी, एक किलो का रेट कितना है हमने कर दिया 80 रुपए और देखिए यहाँ एक बैग का रेट कितना हो गया 800। एक किलो का रेट है 80 रुपए तो एक बैग का कितना हो जाएगा 800। साथ में दूसरा आइटम क्या था पेंटोनिक, तो मैंने लिया पेंटोनिक और इसी को अल्ट के साथ यम। मेन यूनिट आप यहाँ खरीदने वाले किसमें है बॉक्स में और अल्टरनेट यूनिट आप कर दीजिए पीसीएस। और बताइए कि एक बॉक्स में कितना पेन आ रहा है, चलिए हमने कर दिया 5 और F2 से इसे सेव कर। अब पेंटोनिक मान के चलते हैं हम ये 2 बॉक्स खरीद रहे हैं, इंटर जैसे पीस के इंटर करेंगे तो देखिए कह रहा है क्वांटिटी इन बॉक्स। देखिए तो पहले आप यहाँ पे मेन यूनिट पीस की जगह क्या ले लीजिए बॉक्स, इंटर करेंगे तो देखिए क्या वो पूछ रहा है, नहीं, क्योंकि आपने मेन यूनिट क्या रखा है बॉक्स रखा है, तो यहाँ पे एक बॉक्स का कन्वर्जन यहाँ पे बताना चाहिए, तो क्यों नहीं बता रहा है। देखिए अल्ट के साथ जब यम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बॉक्स यूनिट है, मेन यूनिट बॉक्स लिया है पीस और यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट पीस, कन्वर्जन फैक्टर कितना भरेगा। यहाँ देखिए कन्वर्जन फैक्टर आप उल्टा वाला लेंगे, पहले बॉक्स फिर पीस और अब यहाँ F2। अब इंटर कीजिए, देखिए बॉक्स आ गया, इंटर कीजिए और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राइस बॉक्स, बॉक्स का रेट कितना है, चलिए मान लीजिए मैंने कर दिया 30 रुपए, इंटर। अगर यहाँ मैंने यूनिट अगर कर दिया क्या 30, देखिए बता रहा है क्वांटिटी इन बॉक्स, तो अगर आप यहाँ 30 करेंगे तो बता रहा है कि देखिए बॉक्स में कितना होगा 2, इंटर कीजिए क्योंकि देखिए क्वांटिटी इन पीस और उल्टा आपने कर दिया, देखिए एक 2 पीस में कितना बता रहा है एक बॉक्स, तो कन्वर्जन फैक्टर थोड़ा सा चेंज क्या करना है आपको अल्ट यम। देखो पहले यहां पे आप ले लीजिए क्या 30 और यहां कन्वर्जन फैक्टर हमने कर दिया बॉक्स, और देखिए अब पूछेगा कन्वर्जन फैक्टर, हमने कह दिया एक में 5। अब देखिए बॉक्स पर पीसेस F2 से, अब यहां हमने कर दिया पीस, तो देखिए बता रहा है क्वांटिटी इन बॉक्स कि बॉक्स में आप खरीद रहे हैं और कितना बॉक्स खरीद रहे हैं 2 बॉक्स, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वांटिटी इन बॉक्स 2 बॉक्स और बता रहा है क्वांटिटी इन पीस कितने में, प्राइस इन बॉक्स, मिस्टेक क्या हो रहा है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं F9। अल्टियम
बॉक्स और यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट पीसीएस। अब देखिए कन्वर्जन फैक्टर हमने भरा 5, पहले पीसे सर्किट बॉक्स, पीसेस बॉक्स ठीक है, इस पे चेक कर लीजिए एफ टू और से पेंटोनिक हमने किया 5 क्वांटिटी और यहां हमने किया बॉक्स। तो देखिए बॉक्स का डायरेक्ट नहीं क्योंकि सेलिंग प्राइस में कहीं अगर वो हो गया होगा, चलिए पीस करके देखिए तो क्वांटिटी इन बॉक्स। अब देखिए यहां बता रहा है कि ये क्वांटिटी कितना आएगा बॉक्स में, यदि आप 5 खरीद रहे हैं तो देखिए बॉक्स में कितना आएगा 25, जहां पे आपने बताया है ना कि क्या है क्वांटिटी इन पीस, एक बॉक्स में कितना पीस आएगा 5। अब बताइए प्राइस इन बॉक्स, एक बॉक्स का रेट कितना है, हमने कर दी एक पीसेस बराबर 5 बॉक्स, जबकि इसको होना क्या चाहिए एक बॉक्स बराबर 5 पीस। तो पहले यहां कर लीजिए बॉक्स, अब चेक कीजिए और बॉक्स पीसेस ही कीजिए पीसेस। अब देखिए तभी तो कन्वर्जन उल्टा बता रहा है, एंट्री के दौरान ही कहीं, चलिए इसको अभी मैं हाइड कर दिया F9 से, इसका फिर मैं यूनिट बनाऊंगा F2 और इस पे आप अप्लाई कर लीजिए CGST SGST और सेव कर लीजिए। चलिए मैं दूसरा आइटम फिर वही पेन बनाऊंगा, ये वाउचर नंबर लोकल GST कैश मान लीजिए मैं परचेस कर रहा हूँ, और चलिए मैं दूसरा पेन बनाया, इस बार मैंने किया लिंक ग्लाइसर अंडर ग्रुप, मैंने इसका कर दिया पेन, देख लीजिए ये इसको किस में रखे हैं प्राइमरी में, और फिर यहाँ यूनिट मैंने फर्स्ट यूनिट क्या कर दिया बॉक्स, अल्टरनेट यूनिट तो अल्टरनेट यूनिट मैंने कर दिया पीस। यहाँ आइए और उसको पीस कर दीजिए, कन्वर्जन फैक्टर बताइए, चलिए 5 और इसे टैक्स कैटेगरी आप यहाँ चूज कर लीजिए, HSN कोड भर लीजिए और मेन यूनिट ही मैं अभी रख रहा हूँ, देखिए और से मेन यूनिट क्या था बॉक्स, वहां बॉक्स हो गया था इसलिए दोनों आ जा रहा था। चलिए हमने 4 बॉक्स किया, जैसे इंटर करेंगे देखिए बता रहा है ना क्वांटिटी इन बॉक्स 4 बॉक्स, और बताए थे एक बॉक्स में कितना पीस 5, तो 4 बॉक्स में कितना 20 पीस, एक बॉक्स का एक पीस का रेट बताइए 5 रुपए, तो यहाँ टोटल बॉक्स का रेट कितना हो जाएगा 25 रुपए, और यहाँ अब F2 और यहाँ F4, F4 करने के बाद और कोई डिस्काउंट वगैरह आप देना चाहते हैं तो दे लीजिए, चलिए मैंने डिस्काउंट कर दिया कितना मान के चलते हैं 2%, तो देखो डिस्काउंट 2% आपने दे दिया और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जब रिपोर्ट आप चेक करेंगे डिस्प्ले स्टॉक स्टेटस ऑल आइटम और F2 तो देख पा रहे हैं आपके पास बासमती बता रहा है बिल नंबर ये था, गणेश ट्रेडर से खरीदी थी, कितना बैग है 20 बैग और यहाँ कितना किलो है 200 ठीक, यहाँ पे बैलेंस वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हैं। पेन का देख लीजिए कहाँ गया लिंक ग्लास, 4 बॉक्स है देखिए कैश खरीदे थे आप 4 बॉक्स और यहाँ कितना पीस है 20 पीस, क्या अब इसे आप बेचेंगे
अगर बॉक्स में बेचना चाहें तो बॉक्स में भी बेच सकते हैं और पीस में चाहें तो पीस में। देखिए लोकल जीएसटी मैंने फिर अप्लाई कर लिया 18%। कैसी बेच रहा मेन स्टोर? चलिए बासमती। अब पूछिएगा बैग में बेचना है कि केजी में? तो चलिए मैंने कर दिया, मान के चलिए कोई रिटेलर कस्टमर आया 5 किलो हमने चावल बेचा, तो बैग कीजिएगा क्या कर लीजिए केजी, और 1 किलो का रेट आप बता दीजिए। अगर नहीं पता है कि रेट कितना खरीदे थे तो यही अल्ट आई और F2 अप्रैल में खरीदे थे, मई में सॉरी। और देखिए यहाँ कितना बैग 20, और एक बैग का रेट था 800, और केजीस का देखना है तो यही इंटर करेंगे तो केजी कितना 80 रुपए पर केजी, स्केप कर दीजिए और फिर वही आप सेल वाउचर में मिल जाएंगे। 80 रुपए का खरीदे थे और इसे मैंने बेच दिया 90 रुपए पर केजी। 5 किलो चावल बिक गया हमारा। फिर स्टॉक स्टेटस चेक कीजिए कि बचा कितना आपके पास, प्रिंट करके देना है तो आप दे सकते हैं, और ये सारी चीजें आप प्रीव्यू कस्टमर को दे सकते हैं। अगर फिर स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट चेक किया जाए ऑल आइटम F2, अब देखिए हमारे पास बासमती का कितना स्टॉक है, 19 बैग। इंटर कीजिए, फिर इंटर। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है आपका, आइए इधर, और यहाँ बता रहा है टोटल कीजो किलो में कितना है 195। 200 किलो था और जिसमें से 5 केजी दिख गया, यानी कि अब हमारे पास 195 किलो और चावल बचा हुआ यहाँ दिखा रहा है। ठीक, ऐसे आप बड़े यूनिट में खरीद के उसको छोटे यूनिट में क्या कर सकते हैं, ऐसे दुकानों में होता भी है कि खरीदा जाता है किसमें, बड़े यूनिट में, और सेल किया जाता है छोटे यूनिट। तो आज ये कंप्लीट कर लीजिएगा अल्टरनेट।